काफी लोग अपने घर में भगवान की तरह तरह की मूर्तियां, तरह तरह की तस्वीर हमेशा ही लगाते रहते हैं, लेते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ मूर्तियां और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें इतनी गजब की शक्ति बताई गई है कि अगर इन्हें आप अपने घर में लगा लेते हैं तो इससे सर्व कष्ट निवारण निश्चित ही होता है। काफी मूर्तियां इतनी गोपनीय होती हैं कि काफी लोगों को पता नहीं होती हैं कि कौन कौन सी मूर्तियों को रखने से, कौन कौन से भगवान के जो फोटो हैं वे अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। तो किस प्रकार आपको अपने घर में रखने के लिए अपनी परेशानी के अनुसार मूर्ति को चुनना चाहिए, कौन कौन सी मूर्ति को लगाना चाहिए, कौन कौन सी तस्वीरों में गोपनीय शक्तियां मौजूद होती हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये जानकारी बेहद खास है, इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आप सभी बातों को जाने, क्योंकि भगवान की जितनी भी मूर्तियां होती हैं, तस्वीरें होती हैं, उनमें अलग अलग ही चीजें होती हैं और उनका सबका मतलब भी अलग होता है जो अलग अलग परेशानियों के लिए लाभ प्रदान करने वाली हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहली जो मूर्ति है जिसमें भगवान हनुमान उड़ते हुए नजर आते हैं, यह ऐसी तस्वीर है जिसमें भगवान हनुमान पहाड़ लेकर उड़ते हुए नजर आते हैं। यह काफी लोग ऐसे ही इस तस्वीर को अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को अपने घर में लगाना चाहिए जो नौकरी आदि वगैरह करते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, और हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि भगवान हनुमान की जो चलित मूर्तियां होती हैं, तस्वीरें होती हैं जिसमें वह कहीं जा रहे होते हैं, या एक पैर उनका ऊपर की ओर यानी कि उड़ने के लिए वह तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी तस्वीरें भगवान हनुमान की ऐसी ही होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, यह चलित तस्वीरें और मूर्ति कहलाती हैं। इन तस्वीरों पर रोजाना एक दीपक जलाना बेहद आवश्यक है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो हमेशा ही आपको भगवान की ऐसी मूर्ति या ऐसी तस्वीर को चुनना चाहिए जिसमें वह शांतिपूर्वक बैठे हुए होते हैं, यानी कि चलित तस्वीरें नहीं होती हैं, वे विश्राम अवस्था में होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जो माता लक्ष्मी का फोटो मूर्ति बताई गई है वो भी चलित नहीं होनी चाहिए, यानी कि वह खड़ी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक आप माता लक्ष्मी की जो बैठी हुई तस्वीरें होती हैं, मूर्ति होती हैं, केवल उन्हें ही अपने घर में लगाया करें। इन्हें लगाने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बेहद गोपनीय होती हैं और संपूर्ण सिद्धियों को अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई साधक हैं, किसी मंत्र साधना में आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक शत्रु हैं, हमेशा ही आपको परेशान करते रहते हैं, शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, तो ऐसे में केवल कुछ मूर्तियों को, कुछ तस्वीरों को अपने घर में लगा लिया जाए तो इससे बेहद लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहली ऐसी मूर्ति है महाकाली की। कोई भी मूर्ति या फिर कोई भी तस्वीर आप अपने घर में दक्षिण दिशा पर लगा देते हैं तो बस ये जान लें कि फिर आपका शत्रु आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकता है। अगर आपके बारे में बुरा सोचेगा तो वह खुद ही इतना परेशान होने लग जाएगा कि उसके पास अगर सब कुछ भी होगा तो मन की शांति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। वह रात को ठीक से सो नहीं पाएगा, दिन में भी नहीं सो पाएगा, किसी भी समय ठीक से खा नहीं पाएगा और हमेशा ही एक ऐसा बीमारी का अनुभव करने लग जाएगा कि फिर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। घर में दक्षिण दिशा पर महाकाली की फोटो लगाकर रोजाना एक घी का दीपक जला दिया जाए तो बस केवल इतना करने मात्र से ही हर प्रकार के शत्रु बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि अदृश्य शक्तियां प्रभाव डालती हैं, तो दक्षिण दिशा जो होती है वह शत्रुओं की दिशा होती है, यानी कि शत्रु अगर कुछ भी कराता है तो वह आपके घर में दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करता है। तो अगर दक्षिण दिशा पर ही महाकाली का चित्र लगा दिया जाए और रोजाना एक घी का दीपक जला दिया जाए तो फिर शत्रु कुछ भी करा ही नहीं सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि महाकाली की जितनी मूर्तियां होती हैं, तस्वीरें होती हैं, क्योंकि महाकाली शक्ति का स्वरूप है जो हमेशा ही कार्यशील रहती हैं, यानी कि किसी भी मूर्ति में, किसी भी तस्वीर में वह जागृत रहती हैं, इसीलिए रोजाना एक घी का दीपक जलाना बेहद आवश्यक है। इसीलिए यही वजह है कि महाकाली के जो साधक होते हैं उनमें एक ऐसी प्रचंडता होती है, ऐसी उनकी आंखों में तेज होता है कि केवल शत्रु की आंखों में देखकर वे डर और घबराहट उत्पन्न कर देते हैं।
और सबसे ज्यादा खास बात तो महाकाली के साधकों की ये है कि महाकाली के जो साधक होते हैं वह अपने परिवार में सबसे अधिक शक्तिशाली, कार्यशील और सबसे आगे रहते हैं। इसी कारण यही वजह होती है कि महाकाली के साधकों के उनके अपने परिवार वाले ही सबसे अधिक शत्रु होते हैं। लेकिन महाकाली का साधक कभी भी पीछे रह ही नहीं सकता है, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करता है वह अपने आप ही रास्ते से हट जाता है। यह महाकाली की अद्भुत कृपा है। और जब आप खुद कोई महाकाली की साधना करेंगे तो सब कुछ स्वयं ही जान जाएंगे। अब दोस्तों, दूसरी चीज है कि महाकाली भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान होती हैं, यानी कि एक ऐसी फोटो होती है जिसमें कृष्ण काली स्वरूप में होते हैं। तो ऐसी जो फोटो होती है यह सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीर पर या फिर ऐसी मूर्ति पर रोजाना ध्यान लगाता है वह स्वयं सम्मोहन को सिद्ध कर लेता है। काफी लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं लेकिन सम्मोहन को सिद्ध कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक दिन में ही आप इसे खुद करके देखें कि आप अगले दिन से इतना कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे कि जिसकी भी आंखों में देखेंगे वह व्यक्ति आपकी बात मानने लग जाएगा। जो श्री कृष्ण महाकाली के स्वरूप में होते हैं, क्योंकि काफी लोग ये भी नहीं जानते हैं कि शास्त्रों में, तंत्र में महाकाली को ही कृष्ण बताया गया है और कृष्ण को ही महाकाली कहा गया है। और कृष्ण भगवान सम्मोहन के, आकर्षण के देवता हैं। इसीलिए यह तंत्र में ऐसी तस्वीर होती है जिस पर रोजाना अगर तराटक किया जाए या केवल अपने घर में लगा भी दिया जाए तो इससे धन धान्य की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर भगवान शिव की और माता पार्वती की अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी तस्वीर घर की पूर्व दिशा में लगा दी जाए तो इससे संपूर्ण ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, शक्ति के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है यह अधिक शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि इसी स्वरूप में माता पार्वती भी उनके साथ एक ही शरीर में विराजमान होती हैं। रोजाना ऐसी तस्वीर पर अगर एक शमी का फूल रोजाना चढ़ाने वाला व्यक्ति दसों दिशाओं से सफलता प्राप्त करता है, यानी कि जो भी वह कामना करता है या जो भी चीजें वह चाहता है, जो भी चीजों की उसको जरूरत होती है वह सभी चीजें उसके पास सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर स्वयं ही चली आती हैं। तो केवल तस्वीरों से, केवल मूर्ति से इतना अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप किसी मूर्ति से, तस्वीर से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मूर्ति पर, तस्वीर पर आपको तराटक करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वह भी तीसरे नेत्र को प्रभावित करते हैं और जो साधक होता है वह तराटक करके ही, यानी कि तस्वीरों पर, मूर्ति पर, दीपक पर, सूरज पर, चंद्रमा पर तराटक करके ही शक्तियों को एकत्रित अपने तीसरे नेत्र में करता रहता है। तो इसी प्रकार ये जितनी भी तस्वीरें हमने आपको बताई हैं, इन्हीं तस्वीरों पर तराटक करके आप अपने तीसरे नेत्र को प्रभावित कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए जो लाभ हमने आपको बताए हैं यह भी आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बताया था कि अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वे केवल तीसरे नेत्र पर ही प्रभाव आपके डाल सकती हैं, और हर एक सुख और हर एक दुख केवल तीसरे नेत्र से ही शुरू होता है। और इस बात को आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तंत्र की जानकारी है जो काफी लोगों को पता नहीं होती है लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम आपको इस जानकारी को बताएंगे तो आप स्वयं मानेंगे कि हाँ यही सत्य है। तो आप इस बात को नोटिस करें कि जब भी जीवन में दुख आने वाला होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है या कोई भी परेशानी होती है तो इस बात को आप ध्यान दें कि आपके सिर में ऑटोमेटिक दर्द होने लग जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो बिल्कुल सिर में ऐसा लगता है, बहुत ही ज्यादा सुखद और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो यह केवल तीसरे नेत्र के प्रभाव में होने से ही होता है, यानी कि तीसरा नेत्र आपको सिग्नल देता है कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन काफी लोग ज्ञान ना हो पाने के कारण अपनी चीजों को बदल ही नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर तीसरे नेत्र पर प्रभाव पड़ता है या उसमें कोई सिरदर्द जैसी समस्या होती है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो साधक के पास यह शक्ति मौजूद रहती है कि वे अपने तीसरे नेत्र को प्रभावित करके बुरी होने वाली चीजों को टाल सकता है। इसीलिए पिछले वीडियो में तीसरे नेत्र की एक्सरसाइज भी हमने आपको बताई है। तो अगर आप वो ना कर पाए तो इस वीडियो में बताया है कि तस्वीरों पर, मूर्ति पर तराटक करके भी आप अपने तीसरे नेत्र को प्रभाव में ला सकते हैं।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें क्योंकि काफी लोगों ने इसे करके देखा और काफी लोगों ने हमसे मैसेज में भी इस बारे में पूछा है कि जब वे करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन तीसरे नेत्र पर हो गया है। तो दोस्तों आपको करना इस प्रकार है कि बिल्कुल भी जबरदस्ती अपने तीसरे नेत्र के साथ नहीं करनी है। तीसरे नेत्र की सबसे खास बात ये है कि ये केवल वही त्राटक सही से कर पाता है, इसे जागृत वही कर पाता है जिसके हृदय में अपार प्रेम बसता हो, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए भी उसके मन में द्वेष भावना ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का बड़ी तेजी से तीसरा नेत्र जागृत होता है। तो इसीलिए आपको किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखनी है, अपने मन को बिल्कुल साफ रखना है और अपने तीसरे नेत्र पर जोर से प्रभाव नहीं डालना है, बल्कि प्रेम पूर्वक इस पर ध्यान लगाने की कोशिश बस आपको करनी चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन है या वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, तब आप बिल्कुल भी इसे ना करें, क्योंकि मंत्र साधनाएं और तंत्र साधनाएं जितनी भी होती हैं, इन्हें बलपूर्वक नहीं किया जाता है बल्कि प्रेम पूर्वक किया जाता है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।